वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पाठ योजना का ऐसा उपक्रम होने वाला है जो शिक्षक प्रति हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी एग्जाम में उससे निश्चित ही एक नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला है हर्बर्टीय पंचपदी उपक्रम। अधिकतर इसमें समस्या होती है, इसमें जो सोपान पूछे जाते हैं कभी आप देखते हो कभी सामान्यीकरण आ जाता है, कभी तुलना आ जाता है, कभी किसी में मूल्यांकन आ जाता है, कभी किसी में प्रयोग आ जाता है। लेकिन इसमें जो क्रम है व्यवस्थित वो आज हम पूरा डिटेल से देखेंगे कहाँ से क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हर्बर्टीय पंचपदी उपागम। तो सबसे पहले जो हर्बर्टीय पंचपदी उपागम दिया था वह दिया गया था एक वैज्ञानिक है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा। और ये कहाँ के थे, तो ये थे जर्मन दार्शनिक थे। और ये जर्मन दार्शनिक होने के साथ साथ एक शिक्षा शास्त्री भी रहे हुए हैं, शिक्षा शास्त्री भी रहे थे। तो हर्बर्टी पंचपदी उपागम दिया था जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा। और ये कौन थे, तो जर्मन के निवासी थे और दार्शनिक थे और शिक्षा शास्त्री थे। हर्बर्ट फ्रेडरिक हर्बर्ट तो शॉर्ट नाम भी कहते हैं जे एफ हर्बर्ट। कई एग्जाम में आपको ये जे एफ हर्बर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने क्या था, 1838 में इन्होंने पाठ योजना के जो उपागम दिए थे वह दिए थे चार। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला था स्पष्टता, क्लियरिटी जैसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा था संबंधता, तीसरा था व्यवस्था, जो अंतिम था चौथा वह था विधि। प्रारंभ में जो पाठ योजना दी थी हर्बर्ट द्वारा जॉन फ्रेडरिक ने, जिन्होंने चार जो क्रम बताए थे सोपान के, वह यह क्रम थे। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान में जो प्रचलित है वह सोपान कहाँ से आए, कैसे आए। तो हम जो ये जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट थे, इनके मुख्य रूप से जो शिष्य थे वह तीन शिष्य थे। सबसे पहला था जिलर, कौन सा था आप बार बार इसको रिपीट करें, जो शिष्य था वह था जिलर। दूसरा था राइन। वैसे तो इनके शिष्य बहुत सारे थे लेकिन जो मुख्य रूप से इस पर जो कार्य किया पाठ योजना पर वह तीन थे, जिलर, राइन और तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर, जिसे अधिकतर बच्चे हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेडरिक हर्बर्ट दोनों को एक ही समझ लेते हैं, वह इनके शिष्य थे। नेम एज इट इज था हर्बर्ट स्पेंसर। अब तीनों ने इनके गुरु के जो कार्य है उस पर कार्य किया पाठ योजना पर। और जिलर को अधिकतर एग्जाम में देखा गया है, सिलर भी इंग्लिश में कहा जाता है सिलर, और राइन की जगह कहीं कहीं आपको रैन भी देखने को मिल जाएगा। तो जो जिलर ने है, जो इन्होंने ये स्पष्टता दी थी, इस स्पष्टता को वापस इन्होंने दो भागों में बांटा। एक था प्रस्तावना और दूसरा था प्रस्तुतिकरण। कहाँ से वो पद आए, सोपान आए, हम उसको देखते हैं, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। और जो इनका दूसरा शिष्य था राइन, इसने इन दोनों के मध्य में एक सोपान दिया, उसे कहते हैं उद्देश्य कथन। प्रश्न में पूछ लिया जाए उद्देश्य कथन किसने दिया, तो राइन के द्वारा दिया गया। और जो जिलर और सिलर दोनों एक ही है सिमिलर, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण ये दो दिए थे, जिसे हम ऐसे ए बी से डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है हर्बर्ट स्पेंसर, जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा कार्य किया है पाठ योजना पर, जो वर्तमान में भी अधिकतर जो भी शिक्षण विधियां है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आने की 100% संभावना रहती है। तो इसको हम देखेंगे, इन्होंने जो जिलर, राइन और अपने गुरु जॉन फ्रेडरिक द्वारा जो भी सोपान बताए थे उन सबको मिलाकर मुख्य रूप से 5 सोपान प्रस्तुत किए जो वर्तमान में प्रसिद्ध है। तो हम इसको देखते हैं, सबसे पहले इसको वापिस हम रिपीट करते हैं एक बार। हर्बर्टी पंचपदी उपागम पढ़ रहे हैं, उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट माने जाते हैं, ये थे जर्मन के। और ये क्या थे, दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने 1838 में चार जो सोपान दिए थे उसमें था स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। और इस स्पष्टता को इनके जो शिष्य थे जिलर, इन्होंने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में बांटा। और राइन द्वारा जो प्रस्तुतिकरण और प्रस्तावना इन दोनों के मध्य में इन्होंने दे दिया उद्देश्य कथन। और हर्बर्ट स्पेंसर ने इन सब के जो भी ये डिवाइडेशन थे इनमें से छांट कर 5 ऐसे मूल पद बना दिए, जिसको हम आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो पाठ योजना दी गई थी। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जो पाठ के जो उपागम है वो दो बार किए हैं। सबसे पहले मूल जो दिए थे, दिए इन्होंने पांच ही है, इसलिए इस जो पाठ योजना को है पंचपदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से प्रारंभ में दिए थे? सबसे पहले आता है प्रस्तावना, दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा आता है व्यवस्था, चौथा आता है तुलना, और अंतिम जो मूल में दिया था सामान्यीकरण। यदि प्रश्न पेपर पूछ जाए, प्रश्न में पूछा जाए हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो मूल पांच सोपान दिए थे वो कौन कौन से हैं, उनका क्रम कौन सा है, तो इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद वर्तमान में इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने इस क्रम को भी संशोधित किया, और संशोधित जो रूप था वो इस प्रकार का था। संशोधित रूप देखते हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रस्तावना को एज इट इज रखा, प्रस्तावना, दूसरा हो गया प्रस्तुतिकरण, तीसरा हो गया व्यवस्था को इन्होंने तुलना, चौथा हो गया सामान्यीकरण, और जो अंतिम पांच है वो हो गया प्रयोग। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो प्रस्तावना में जो उद्देश्य कथन था उसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया, उद्देश्य कथन को, और जो प्रस्तुतिकरण में कर दिया गया, ये जो तीसरा पॉइंट है, व्यवस्था को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार यदि पूछा जाए संशोधित रूप कौन सा है, मुख्य रूप से आपको याद रखना है ये जो क्रम है वो पूरा एज इट इज आपको याद रखना है। सबसे पहला है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, इसका पूरा एज इट इज क्रम हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब इससे संबंधित हम फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले पूछा जाए यदि पाठ योजना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, कलर चेंज कर लेते हैं, पाठ योजना का जो सुझाव दिया था वह किसके द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम पूछा जाए तो किसने दिया था, तो आपको याद रखना है जे एफ हर्बर्ट। सर्वप्रथम जो सुझाव दिया था वह दिया था जे एफ हर्बर्ट द्वारा। पाठ योजना की जो विचारधारा है वह किस पर आधारित है, विचारधारा किस पर आधारित है, तो गेस्टाल्टवादियों के आधारित है, गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है, और इस गेस्टाल्टवादी का अर्थ होता है समग्रता। और इसमें पूछा जाए पाठ योजना का जनक किसे माना जाता है, तो हर्बर्ट स्पेंसर को, हर्बर्ट स्पेंसर। यदि ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है तो आप हर्बर्ट जे एफ हर्बर्ट करेंगे। वर्तमान में जो हम देखते हैं पाठ योजना 1960 से पहले जो भी पाठ योजना का जो उपागम यूज होता था वह हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो हमने देखा था अभी वह होता था, लेकिन 1961 से NCERT द्वारा जो उपागम आया है वो लागू होता है, जिसमें लेकिन एक नोट करके आप लिखें, सामाजिक विज्ञान में जो पाठ योजना बनाई जाती है वर्तमान में भी उसी के आधार पर बनाई जाती है, जो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो दिया गए हैं पांच पद उसके आधार पर ही बनाई जाती है। उम्मीद है कि आपको इससे हर्बर्ट स्पेंसर दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, कौन सा सोपान किस में है, किस प्रकार का है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और है जो प्रयोग है, NCERT द्वारा जो प्रयोग की जगह यूज कर लिया गया है ग्रह कार्य, जो दिया था मॉरिसन के द्वारा। ग्रह कार्य किसने दिया था, वर्ड मॉरिसन, जो वह मॉन्टेसरी विधि के बारे में होने वाला है, इस विधि के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, इसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो शुरुआत करते हैं आज की जो हमारी विधि है मॉन्टेसरी विधि। सबसे पहले तो ये महोदय हमारी महोदया तो कौन है, मौर्य मॉन्टेसरी है। इन्होंने मॉन्टेसरी विधि क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले तो ये कहाँ की निवासी थी, तो आपको ध्यान में रखना है यह इटली की निवासी थी। मौर्य मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ, तो इटली में हुआ। प्रश्न आया हुआ है कि मौर्य मॉन्टेसरी कहाँ से बिलोंग करती है, तो हमें ध्यान रखना है इटली से, और 1870 में हुआ था। मॉन्टेसरी पद्धति के जनक, जो मॉन्टेसरी पद्धति है वह जनक कौन मानी जाती है, तो डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी स्वयं ही इस शिक्षा पद्धति की जनक मानी जाती है। विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गहन अनुसंधान कार्य किए, इस अनुसंधान के आधार पर उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति
प्रतिपादित की, जिसे मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति या मॉन्टेसरी शिक्षा विधि के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेसरी विधि और मॉन्टेसरी पद्धति एक ही चीज़ है, जो कि इटली में की निवासी मोरे मॉन्टेसरी द्वारा उन्होंने एक शिक्षण विधि के बारे में और बच्चा कैसे अधिगम करता है उसके बारे में पूरा डिटेल से इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने एक शिक्षण विधि दी जिसे मॉन्टेसरी विधि या फिर मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। मैडम मौर्य मॉन्टेसरी को नई शिक्षा पद्धति, मनोवैज्ञानिक क्रिया प्रदान, शिशु केंद्रित शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। शिशु केंद्रित उनकी व्यावहारिक शिक्षा पद्धति को आज भी किंडरगार्टन मॉन्टेसरी विद्यालयों के नाम से अपनाया जाता है, जो कि आपने देखा होगा LKG HKG। ये कहा क्या है, KG का मतलब क्या हो गया, लो किंडरगार्टन और हाई किंडरगार्टन। ये जो पद्धति है वो मौर्य मॉन्टेसरी की द्वारा दी गई पद्धति है जिनको आज भी अपनाया जाता है। शिक्षा एक प्रक्रिया को मानते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा में 3 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। इस महान शिक्षा शास्त्री का निधन 1952 में कहाँ पर हुआ तो हमें ध्यान में रखना है, इंग्लैंड में हुआ। इस पूरे स्लाइड में मेन बात यह है कि मौर्य मॉन्टेसरी विधि कहाँ की थी, तो यह इटली की निवासी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ, 1870 में हुआ। इन्होंने जो पद्धति दी थी वह कैसे दी थी, इन्होंने एक विद्यालय खोला था, वहाँ पर इन्होंने छोटे बच्चों को जो शिक्षण कार्य करवाया और शिक्षण कार्य करवाते हुए उसके दौरान उन्होंने पूरा गहन अनुसंधान किया कि बच्चा कैसे सीखता है, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने एक शिक्षा पद्धति दी जिसके नाम है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक और क्रिया प्रदान और शिशु केंद्रित शिक्षा यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इनका मानना था कि बच्चा स्वयं किसी क्रिया को अगर करके सीखता है, क्रिया के माध्यम से सीखता है, तो वह ज़्यादा सीखता है। और जो किंडरगार्टन मॉन्टेसरी विद्यालय के नाम से अपनाए गए हैं वह भी किसकी देन है, मॉन्टेसरी की। और जो इन्होंने गहन अध्ययन किया था 3 से 7 वर्ष की अवस्था के बच्चों पर, जो मॉन्टेसरी विधि है, ये प्रश्न भी आता है कि बालक मॉन्टेसरी विधि किस बच्चों के लिए पर जोर दिया था, तो हमें ध्यान में रखना है 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए, ये ऑप्शन में ध्यान में रखना है। देखते हैं अब आगे, मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार की पाठशाला आयोजित की जाती है जिसका नाम मॉन्टेसरी पाठशाला कहते हैं। और मॉन्टेसरी पाठशाला को में जो कक्ष होते हैं उनको एक लहर कक्षा कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, लहर कक्षा कक्ष। इस पाठशाला में एक बाल भवन होता है जिसमें बाल भवन में एक बड़ा कमरा होता है, छोटे छोटे अन्य कमरे भी होते हैं। जहाँ बड़ा कमरा होता है इसे सभी प्रकार की आवश्यकता की सामग्री उपस्थित होती है। जो भी शिक्षण से संबंधित सामग्री है वो सारी विद्यालय में उपस्थित होनी चाहिए, इनका मानना था। जबकि छोटे कमरों में बालकों को विश्राम, भोजन आदि की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही बालक के खेल कूद और के लिए बगीचा उपलब्ध होना चाहिए। मॉन्टेसरी स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, बाल भवन होने चाहिए, विश्राम और भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, खेल कूद के लिए भी होना चाहिए। बाल भवन में सफाई आदि का कार्य बालक अपने हाथों से ही करते हैं, यह सभी मॉन्टेसरी पाठशाला कहलाती है। मॉन्टेसरी पाठशाला में क्या होता है, जो सारी व्यवस्था है वह बच्चों को उपलब्ध करवा दी जाती है। वह अपने साफ सफाई वह स्वयं करते हैं जिससे बालक कर्मेंद्रियों के माध्यम से सीखने पर बल भी देता है। नेक्स्ट क्या है, मॉन्टेसरी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था, क्या कारण था कि मॉन्टेसरी शिक्षा में बल दिया गया। मैडम मॉन्टेसरी ने इस पद्धति में निम्न सिद्धांतों की प्रमुख रूप से बल दिया। सबसे पहला बालक स्वतंत्रता पर बल देता, बालक की स्वतंत्रता पर बल। इसके अंतर्गत बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तथा बालक को खेलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। बालक पूरी तरह खेल सकता है, वो बालक पूरी तरह विश्वविद्यालय में स्वतंत्र होता है, वह अपनी इच्छा अनुसार खेल खेल सकता है। और बालक अपनी प्रवृत्तियों अपनी क्षमता के अनुसार खेलना पढ़ना लिखना कुछ भी चाहे कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक बालक क्या करेगा, अपनी अभिरुचि से कोई भी कार्य कर सकता है। अभिरुचि पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार वह खेल खेल सकता है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ऐसा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से उसे आगे की शिक्षा दी जाती है। खेल द्वारा शिक्षा पर बल, सबसे पहले तो बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया, और बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जो अध्यापक है वहाँ पर केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। बालक को जब आवश्यकता पड़ती है तब अध्यापक उसकी मदद करते हैं। खेल द्वारा शिक्षा पर बल, इसके अंतर्गत बालक को खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि बालक की दृष्टि से खेल एक ऐसा प्रभावशाली नीति है जिसमें सभी बच्चे रुचि लेते हैं। इसमें बाल भवन की योजनाएं की जाती है जिसमें छोटे बच्चों के भोजन, विश्राम, गोष्ठी, शारीरिक क्रिया के लिए पृथक रूप से व्यवस्था होती है। कुल मिला के जो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है, एक तो बालक को स्वतंत्रता प्रदान करती है, दूसरी खेल के माध्यम से शिक्षा पर बल देती है। और जो आयु डिसाइड की थी 3 से 7 ईयर,
सेवन ईयर की, ये पूरी खेल की अवस्था है। इसमें बालक खेल के द्वारा सीखता है और वह स्वतंत्र रहना पसंद करता है। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षण किस प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में तीन प्रकार से शिक्षण कार्य करवाया जाता है। सबसे पहले उसे दी जाती है भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। भाषा की शिक्षा में बात करें, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के हिसाब से लिखना पढ़ना की अपेक्षा सरल होता है। एक बात यहाँ पे नोट करके आप लिख लें, जो भी अपने कौशल है वो चार प्रकार के कौशल होते हैं, जिनको आप जिनका क्रम सबुपल यानी कि सुनना बोलना, तीसरा है पढ़ना और जो अंतिम कौशल है चौथा लिखना। लेकिन मॉन्टेसरी का सबसे मुख्य प्रश्न यहीं से बनता है कि मॉन्टेसरी के माना जाता था कि बालक लिखना पहले सीखता है पढ़ने से, तो वह इन कौशल में चारों में परिवर्तन करके ये दोनों तो एजिटेज रखते हैं, लेकिन उनका मानना था कि बोलने के बाद बालक लिखना सरल रहता है उनके लिए और उसके बाद रहता है पढ़ना। उनका मानना था कि लिखने में उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण बालक जल्दी सीखता है और जल्दी लिखना प्रारंभ कर देता है। इसके अनुसार लिखने में उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बालक लिखना सरलता से सीख जाता है, किंतु पढ़ना कठिनता से सीखता है। सबसे पहले भाषा की शिक्षा में इसमें आपको ध्यान में रखना है कौशल का क्रम क्या है, इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं सब लव। मॉन्टेसरी का क्या है? सुनना बोलना लिखना और पढ़ना। जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। एक ये अलग बात यहाँ पर करते हैं मॉन्टेसरी। फिर बात आती है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। कर्मेंद्रिया क्या होती है? अपने हाथ है, पैर है, ये सारी क्या है? कर्मेंद्रिया। इनके माध्यम से यदि शिक्षा दी जाती है, जैसे बाल भवन में सभी कार्यों को बालक स्वयं कार्य करते कार्य करके सीखने पर बल देती है, इस प्रकार उनका हाथ मुंह धोना, कपड़े बदलना, सफाई, जो भी कार्य है हाथ पैरों के माध्यम से होने, वह सभी स्वयं करते बालक, इसलिए कर्मेंद्रियों के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। सभी कार्यों को हाथ से करने के कारण उनका पूर्ण रूप में शारीरिक व्यायाम हो जाता है। कहने का मतलब वो शिक्षा के साथ साथ शारीरिक व्यायाम पर भी बल दिया है यहाँ पर, और मांसपेशियां पुष्ट होती है। फिर आता है तीसरा नंबर पॉइंट, ज्ञानेंद्रिय शिक्षा। इसमें बालक को ज्ञानेंद्रिय द्वारा जितना अधिक अनुभव होगा, ज्ञानेंद्रिया मतलब अपनी जो ज्ञान करने की इंद्रिया है, जिनमें अनुभव के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे मैडम मॉन्टेसरी स्वयं कहा करती थी कि ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा संबंधी क्रियाओं को यह एक उद्देश्य नहीं है कि बालक में विभिन्न वस्तुओं के रूप में गुण वर्ण का ज्ञान हो, बल्कि उसमें उनके ज्ञानेंद्रियों की परिकृष्ट करना चाहते हैं, जिसमें उसकी बुद्धि का विकास हो। कुल मिलाकर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उन्हें शिक्षा देना। इस लाइन में हमने देखा तीन प्रकार की शिक्षण पद्धतियां हैं। सबसे पहली है भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा। तीन प्रकार के शिक्षण की व्यवस्थाओं की बात कर दी है मॉन्टेसरी। फिर आती है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के गुण कौन से हैं और दोष कौन से हैं। सबसे पहले मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें विशेषता निर्देशन में व्यक्तित्व का स्थान है। इसके अतिरिक्त इस पद्धति में व्यक्तित्व को ही ध्यान में रखा नहीं जाता है, जबकि यह कर्म इंद्रियों की शिक्षा, स्वयं शिक्षा, भाषा शिक्षण आदि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मॉन्टेसरी पद्धति में खर्च अधिक आता है। कुल मिलाकर जो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है वह क्या है? खर्चीली है और क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। प्रत्येक बालक के ऊपर ध्यान देने पर आकर्षित करती है, उसके ऊपर प्रत्येक बालक पर यूनिक होता है। मॉन्टेसरी का मानना था कि प्रत्येक बालक यूनिक होता है, उसकी व्यक्तित्वता होती है। अधिक खर्चीले होने के कारण निर्धन देशों में मॉन्टेसरी पद्धति का उपयोग में नहीं लाई जा सकती। मॉन्टेसरी पद्धति छोटे बालकों के लिए दी गई। जो भी मॉन्टेसरी पद्धति है वो कौन से बालक के लिए प्रसिद्ध है? तो 3 से 7 वर्ष के बालक, जो कि छोटे बालक हैं, अधिक उपयोगी होती है, जबकि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों के लिए यह उपयोग में नहीं लाई जाती है। मॉन्टेसरी पद्धति में इंद्रियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, किंतु छोटे बच्चे के उच्चारण शुद्धि पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। ऐसे छोटे बच्चों में तोतलापन बना देता है। यह दोष हो गए, गुण भी हो गए। टॉपिक सूक्ष्म शिक्षण लेने वाले हैं, जिसमें मान के चलिए सभी एग्जाम में सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ 1961 में हुआ था। तो प्रश्न आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले प्रारंभ कब किया गया था, तो ऑप्शन 4 दे देते हैं। तो इसमें से हमें ध्यान रखना है 1961 में माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण 1963 ईस्वी में डी एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में किया था। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब किया गया। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किया गया था 1961 में, और इसका नामकरण पूछा जाए कि नामकरण कब किया गया, तो नामकरण 1963 में किसके द्वारा दिया गया तो एलन महोदय द्वारा। और एलन महोदय ने कहाँ पर किया, तो स्टैनफोर्ड
यूनिवर्सिटी, कहाँ पर? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विद्यालय में रॉबर्ट ब्रूस व डस्टर एलन के निर्देशन में कीथ व एचिसन नामक छात्रों में वीडियो टेप के माध्यम से अध्यापन शीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त करने पर बल दिया था। एलन महोदय ने सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिपादन किया था, उनके साथ दो सहयोगी थे, कीथ व एचिसन। सूक्ष्म शिक्षण जो प्रारंभ में इतिहास में कहते हैं कि आया कहाँ से, तो सबसे पहले इन दोनों ने क्या किया था, प्रतिपुष्टि, कोई भी समस्या है उसकी तुरंत प्रतिपुष्टि के लिए सूक्ष्म शिक्षण पर बल दिया था, और वहीं से सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ माना जाता है। इसके उपरांत गैरिसन व कैलिन बेक महोदय ने अपने अपने प्रयासों से सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया। इसमें एक कौशल हेतु 5 से 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। तो प्रश्न आ जाता है, सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है? तो 5 से 10 मिनट की जो पाठ योजना होती है उसकी तैयारी की जाती है। माइक्रो टीचिंग में कक्षा का आकार भी छोटा रहता है। कहने का मतलब, माइक्रो टीचिंग जो होती है वो लगभग 5 या 10 विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाती है, जिसमें वह एक एक कौशल को विकसित करने का प्रयास करता है अध्यापक। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण का लघु रूप है। जो शिक्षण होता है वो एक दीर्घ रूप होता है जिसमें पूरी पाठ योजना होती है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, किसी एक एक कौशल को पूर्ण करने का एक लघु रूप माना जाता है। यह एक प्रयोगशालीय विधि है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसमें भी अध्यापक कौशलों को विकसित करने के लिए अनेक प्रयोग करता है। तो ये कौन सी विधि है? तो प्रयोगशालीय विधि है। इसके माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल को विकसित किए जाते हैं। शिक्षण को यहाँ कई शिक्षण कौशलों का योग माना जाता है। यदि कोई भी शिक्षण कराया जा रहा है तो शिक्षण में अनेक कौशल होते हैं, जैसे प्रश्न पूछने का कौशल है, प्रस्तावना करने का कौशल है, पुनः बलन देने का कौशल है। ये सारे कौशल से मिलकर ही शिक्षण पूर्ण होता है। प्रशिक्षणार्थियों को यह शिक्षण कौशल नियंत्रित वातावरण में एक एक करके सिखाए जाते हैं। वह इन सभी कौशलों को सीख लेता है, तब वह इन्हें आवश्यकता अनुसार जोड़कर पूरा शिक्षण कराता है। जब भी सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, आपने बीएड एग्जाम में या बीएड में एंट्रेंस में देखा होगा कि प्रारंभ में सबसे पहले आपको सूक्ष्म शिक्षण की जो 10 या 15 दिन क्लासेज चलाई जाती है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप बच्चों के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। उसमें आपको एक नियंत्रित वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें आपको एक एक बच्चों के सामने कैसे प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार से उन्हें पुनः बलन देना है, किस प्रकार अपने विषय को समझाना है, उन सभी कौशलों को सिखाया जाता है। फिर उसे छात्र अध्यापक उन सबको एक साथ जोड़कर शिक्षण कराना प्रारंभ करता है। यही कारण है कि अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क कहा जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का अन्य नाम क्या हो गया? अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतर एग्जाम में देखा गया है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं दे दी जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ जो मुख्य अधिकतर एग्जाम में आई हुई है उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले एलन, सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक माने जाते हैं वह एलन है। इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है? तो देखो, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सिखाना संभव है। तो एलन महोदय ने क्या कहा है कि नियंत्रित, आप ये वर्ड याद रखें, नियंत्रित। तो नियंत्रित जहाँ पर भी आपको दिखे तो आप मान सकते हो उसको एलन वही द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोन्स तथा मॉरिस के अनुसार अभ्यास एक विधि है जिसमें अधिक नियंत्रित प्रचुर विश्लेषण प्रतिपुष्टि की एक नई प्रणाली का प्रयोग होता है। स्टोन्स और मॉरिस, तो आप याद रखें यहाँ पर प्रचुर विश्लेषण और प्रतिपुष्टि की बात कर रहे हैं। एलन ने एक और दी है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। और एक परिभाषा और है, पेक और टुकर। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कौशलों की सूक्ष्मता से पहचानने की जाती है तथा पृष्ठ पोषण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। यहाँ पे ये 4 परिभाषाएं हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यह वास्तविक कौशल है। इसमें छात्र अध्यापक वास्तव में अलग अलग एक एक कौशल को विकसित करता है। तो ये हो जाएगा अपना वास्तविक कौशल के सिद्धांत पर कार्य करता है सूक्ष्म शिक्षण। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। छात्र अध्यापक को अलग अलग पाठ योजना बनाने के लिए बोला जाता है कि इस कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल है, सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। फिर आपको पुनः बलन, प्रश्नोत्तर, इस प्रकार के अलग अलग जो कौशल है उनको एक समय में एक ही कौशल को विकसित किया जाता है।
और अंत में क्या किया जाता है, सभी कौशलों को प्रयोग करते हुए आपको शिक्षण प्रारंभ करना होता है। तो इसका दूसरा सिद्धांत हो गया, एक समय में एक ही कौशल पर प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। दूसरा है अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रित रखा जाता है। सूक्ष्म कौशल में क्या होता है, अभ्यास की जो प्रक्रिया पर है नियंत्रित रखा जाता है। कहने का मतलब एक निश्चित आधार होता है, निश्चित आधार कि किस कौशल के ऊपर कार्य करना है, कक्षा का आकार निश्चित होता है, एक नियंत्रित परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों में रहकर शिक्षण करवाया जाता है। पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। पृष्ठ पोषण कहने का मतलब आप शिक्षण करवा रहे हैं और उस शिक्षण के बारे में आपने किस प्रकार की जो भी कमी की है या फिर आपने कुछ अच्छा पढ़ाया है, उन दोनों के प्रति आपको पुनर्बलन के रूप में पृष्ठ पोषण किया जाता है, सही या गलत, ताकि आप नेक्स्ट जो भी क्लास होती है, नेक्स्ट जब भी आप शिक्षण कार्य करवाएं तो वह गलतियां ना दोहराएं। तो इसमें पृष्ठ पोषण का प्रभाव होता है। इसमें मोटे रूप से देखें तो एक वास्तविक कौशल होता है। सबसे पहले देखो सिद्धांत में देखो वास्तविक कौशल, इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण, अभ्यास की प्रक्रिया नियंत्रित रखी जाती है। पृष्ठ पोषण के प्रभाव, तो आप ये चारों कीवर्ड को ध्यान में रखें, वास्तविक कौशल, एक समय में एक ही कौशल, नियंत्रित स्थितियां, पृष्ठ पोषण का प्रभाव। ये हो गए सूक्ष्म शिक्षण के अपने सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों सूक्ष्म शिक्षण का प्रश्न पूछे जाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का आपको अध्ययन करवाया जाता है। तो सबसे पहले छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। अधिकतर देखा जाता है जब भी शिक्षण करवाया जाता है तो छात्र अध्यापक आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, लेकिन यदि उसे सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, उसे प्रारंभ में ही उन परिस्थितियों से अवगत करा दिया जाता है कि किस प्रकार के बालक प्रश्न पूछ सकते हैं, किस प्रकार आपको कक्षा में पढ़ाना है, तो उसमें एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ शिक्षण। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल में शिक्षण में निपुणता प्राप्त करनी है। सभी कौशल छात्र अध्यापक के लिए या किसी भी शिक्षक के लिए कौशल का होना आवश्यक है। किस प्रकार आप शिक्षण में अपनी प्रभावशीलता को व्यक्त कर सकते हैं, तो वो सारे कौशल ही डिपेंड करते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई है उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है। छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण में यदि गलती भी करता है तो उसे अध्यापक द्वारा बता दिया जाता है कि आप किस जगह गलत हो, तो उसमें त्रुटियां होने की संभावना कम रह जाती है। छात्र अध्यापक को तुरंत पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है। सबसे इसमें ये होता है किसी भी एग्जाम हो या कुछ भी होता है तो उसमें क्या है कि एक तुरंत नहीं प्राप्त होता, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में आपने जैसे ही अध्यापन करवाया उसके तुरंत बाद ही आपको बता दिया जाता है कि आपने यहाँ पर गलती की है, आप इसे सुधारें। आप सुधार कर पुनः उस पाठ योजना को प्रस्तुत करते हैं और आपके पुनः पृष्ठ पोषण किया जाता है अध्यापक द्वारा। तो इस प्रकार पृष्ठ पोषण प्राप्त तुरंत हो जाता है। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। इसमें कम समय में ही जैसे 5 या 10 मिनट का जो एक कौशल डेवलप करने का समय होता है, एक कौशल को डेवलप करने के लिए 5 से 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। इसलिए इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। जो भी शिक्षण के जो तत्व होते हैं, शिक्षण कराने के लिए क्या क्या जो भी आवश्यक है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए छोटी छोटी बातों को भी महत्व दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास भी होता है। शिक्षण करने के लिए आप यदि भविष्य में कहीं पे भी अध्यापक बनते हैं तो आप के अंदर एक शिक्षक की जो भावनाएं होती है, शिक्षक किस तरह शिक्षण करवाता है, वह गुण भी विकसित होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। ये बात अपने आगे की स्लाइड में भी देखा था, पृष्ठ पोषण पोषण और प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तुरंत ही अध्यापक द्वारा प्रतिपुष्टि प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा है, वापस रिकॉल कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के जो तत्व है उसे सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास भी किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं। अपन ने आगे देखा था विशेषता में सूक्ष्म शिक्षण के तत्व कौन कौन से होते हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, 3 प्रकार की जो क्या है अवस्थाएं होती है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में छात्र अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशल का ज्ञान प्राप्त करता है।
जिसके उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। सबसे पहले उन कौशलों के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है कि उन्हें कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं। उन कौशलों का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद कौशल प्राप्ति अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, कौशल प्राप्ति अवस्था में छात्र अध्यापक प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ योजना का निर्माण करता है तथा उस कौशल का अभ्यास करता है। जब वह उसे कौशल में दक्षता प्राप्त न कर ले तब एक कौशल को पकड़ता है, उस कौशल की बनाता है सबसे पहले पाठ योजना, और पाठ योजना बनाने के बाद तब तक दूसरे कौशल पर शिफ्ट नहीं होता है जब तक उस कौशल के बारे में वह पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता है। इसमें दो घटक शामिल होते हैं, सबसे पहले प्रतिपुष्टि अवस्था, दूसरी होती है सूक्ष्म शिक्षण नियोजन अवस्था। प्रतिपुष्टि में उसने पाठ योजना बनाई है, जब तक अध्यापक आपकी उस शिक्षण से संतुष्ट नहीं होता है तब तक प्रतिपुष्टि नहीं करता है। और सूक्ष्म शिक्षण नियोजन अवस्था, इसमें वह स्वयं पाठ योजना का नियोजन करता है, पाठ योजना का स्वयं नियोजन करता है और पाठ योजना प्रस्तुत करता है, और उस प्रस्तुत पाठ योजना की क्या की जाती है, पर्यवेक्षक या अध्यापक द्वारा प्रतिपुष्टि की जाती है। इसमें दो प्रकार की अवस्थाएं हो गई, प्रतिपुष्टि और दूसरा हो गया नियोजन। अब है स्थानांतरण अवस्था। स्थानांतरण अवस्था में छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक कक्षा की परिस्थिति में स्थानांतरण करता है और शिक्षा क्रिया पूर्ण कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब कौशल प्राप्ति अवस्था, यदि उस छात्र अध्यापक को कौशल प्राप्त हो जाता है और वह सीख लेता है किस प्रकार शिक्षण करना है, तो उसका प्रयोग वो वास्तविक कक्षा कक्ष में प्रयोग करता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में प्रयोग कर अपने शिक्षण कौशल को और अधिक विकसित करते हुए शिक्षण पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो मोटे रूप में देखें तीन प्रकार की अवस्था है, सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति अवस्था, दूसरी कौशल प्राप्ति अवस्था, तीसरी स्थानांतरण अवस्था। ज्ञान प्राप्ति अवस्था में वो क्या करेगा, जो भी कौशल उसे सीखना है उस कौशल का प्राप्त करेगा वह ज्ञान, और उस ज्ञान को प्राप्त करने कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त करेगा, जिन कौशलों को उसको सीखना है, और कौशल को सीखने के बाद क्या करेगा, जो भी कौशल है उनकी तैयार करेगा पाठ योजना, और पाठ योजना तैयार करने के बाद वह पाठ योजना करेगा प्रस्तुत, और प्रस्तुत करने के पश्चात उसका किया जाएगा प्रतिपुष्टि की जाएगी, और तब तक प्रतिपुष्टि नहीं की जाएगी जब तक वह दक्षता हासिल नहीं कर लेता किसी और कौशल में, और दक्षता हासिल करने के बाद तो तीसरी अवस्था में पहुंचेगा जहां पर वह उन कौशलों का प्रयोग करते हुए वास्तविक कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाएगा। वास्तविक कक्षा कक्ष में क्या करवाएगा, शिक्षण करवाएगा। ये तीन अवस्थाएं हो गई, ज्ञान प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्ति अवस्था, स्थानांतरण अवस्था। और कौशल प्राप्ति में दो वापिस अवस्था कौन कौन से घटक है, प्रतिपुष्टि अवस्था और सूक्ष्म शिक्षण का पाठ योजना जो भी बना रहा है उसका नियोजन करना। तो हमने देखा है सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं। अगली देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र किस प्रकार चलता है। सबसे पहले होता है पाठ योजना, सबसे पहला होता है पाठ योजना, उसके बाद करवाया जाता है यदि पाठ योजना बन जाती है। अब तक देखा हमने अवस्था देखी है, अवस्था में वो पाठ योजना निर्मित हो जाती है। पाठ योजना निर्मित होने के बाद वह शिक्षण करता है, उस पाठ योजना का निर्माण करने के बाद, और शिक्षण करने के बाद अध्यापक द्वारा या पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिपुष्टि की जाती है, और प्रतिपुष्टि करने के बाद यहाँ पर उसको अवगत करवाया दिया जाता है कि क्या क्या कमियां रही है, और उन कमियों का पुनः वह करता है नियोजन, और पुनः नियोजन करने के बाद वह वापिस उन कमियों को दूर करने के बाद पुनः शिक्षण या पुनः पाठ योजना प्रस्तुत करता है, और पुनः पाठ योजना प्रस्तुत करने के बाद पुनः प्रतिपुष्टि की जाती है। ये शिक्षण चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह उस कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये चक्र हमेशा पूछ लिया जाता है, इस क्रम में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, क्वेश्चन में पाठ योजना है, शिक्षण है, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और अंतिम पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसमें कितने सोपान हो गए सूक्ष्म शिक्षण के, एक दो तीन चार पांच और छह, ये पूरा चक्र की तरह चलता रहता है, और इसे आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब जो ये चक्र है पूरा हम
उसके एक एक पॉइंट को देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है पाठ योजना की, सबसे पहले है पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना का निर्माण, छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल जिसमें वर्णन करना है, व्याख्या करना है, प्रश्न पूछना आदि, किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सीखना है, वह सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार की जाती है। तो पाठ योजना के निर्माण में वह क्या करेगा, पाठ योजना का निर्माण करेगा जिसमें जिसका भी जिस कौशल का भी उसे विकसित करना है उससे संबंधित पाठ योजना निर्माण कर लेगा। उसके बाद है कक्षा शिक्षण। पाठ योजना निर्माण के बाद आता है कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण, छात्र अध्यापक छोटे पाठकों सहयोगी छात्रों 5 से 10 मिनट तक, आप ये ध्यान रखें, ये प्रश्न हमेशा आता है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो शिक्षण का समय है कितना है, तो 5 से किसी एक कौशल के बारे में पूछा जाए तो 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है, जिसे शिक्षण सत्र भी कहते हैं। फिर दूसरा आता है प्रतिपुष्टि। छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षा में छोड़ी गई कमियों का उल्लेख होता है, और प्रतिपुष्टि से छात्र अध्यापक अपनी कमियों को सुधार करता है। प्रतिपुष्टि उसे प्राप्त हो जाती है कि उसने कहाँ कमी रखी है, उस कमियों को वह पुनः दूर करता है, तो पुनः पाठ योजना का निर्माण होता है। फिर प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्र अध्यापक अपनी पुनः पाठ योजना का नियोजन करता है, इस क्रिया को पुनः नियोजन सत्र भी कहते हैं। पुनः पाठ योजना निर्माण के बाद पुनः योजना या पुनः शिक्षण करता है। पुनः शिक्षण के पश्चात पुनः योजित पाठ दूसरे समूह पर पुनः शिक्षण द्वारा कराया जाता है, इस सोपान में पुनः शिक्षण सत्र भी कहा जाता है। फिर होती है पुनः योजना, शिक्षण के बाद की जाती है पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः शिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा छात्र अध्यापक की प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, इस प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापक निरंतर अपनी कमियों को सुधार में लाता है। ये पूरा चक्र है जिसमें सबसे मोटे रूप से पाठ योजना का निर्माण हो गया, फिर होता है कक्षा शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस स्लाइड में हमने देख लिया है। नेक्स्ट की जो वीडियो होने वाली है, जो भी कौशल है शिक्षण के उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम। आज का वीडियो सूक्ष्म शिक्षण का इतना ही। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी हमारी, प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न रचना कौशल है, प्रश्न पूछने का कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, पुनर्बलन कौशल, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कौशल, सामपट लेखन कौशल, इससे संबंधित होने वाली नेक्स्ट वीडियो। और आज की सूक्ष्म शिक्षण की जो पुराने जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं।